हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दाइव जेड अकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार, जानदार और आपके काम की वीडियो। बहुत सारे बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप डाटा एंट्री का आप हिंदी में प्रैक्टिकल तैयार कर दीजिए। इससे पहले मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी फाइल तैयार कर रखी है, हिंदी के लिए डिमांड थी तो लीजिए हिंदी का भी मैंने प्रैक्टिकल तैयार कर दिया है। पेपर कोड है आपका 229, ये रहा। सब्जेक्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है आपकी उन बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं अप्रैल सन 2020 के अंदर या फिर अक्टूबर सन 2020 के अंदर। दोनों ही टर्म के बच्चे इस वीडियो को देखकर अपना प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाऊँगा ताकि आप लोगों का समय ख़राब ना हो, तो चलिए फटाफट उतार लीजिए। और हाँ, टोटल 10 प्रैक्टिकल इसमें सॉल्व किए हैं, आपको 10 के 10 प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फाइल में सॉल्व करने हैं। ग्रीन और रेड पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि नंबर आपके कट सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए। ये आपके सामने ऊपर क्वेश्चन है और ये रहा इसका नीचे आंसर। अगर थोड़ी बहुत हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए इग्नोर कर दीजिएगा, जैसा दे रखा है वैसा बना लीजिए क्योंकि इतना कोई चेक करता नहीं है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए क्योंकि कंप्यूटर है, ट्रांसलेट करने में थोड़ी बहुत गलती कर देता है। और हाँ, मैंने जो यहाँ पे ग्रीन पेन का यूज़ किया है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। वीडियो बिल्कुल फुल HD में है ताकि आप लोगों को उतारने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो फिर भी आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आप YouTube की वीडियो सेटिंग ठीक कर लें, उसको HD मोड पर डाल दें ताकि आपको सभी अक्षर अच्छे से दिखाई दें। अगर उसके बाद भी अगर आपको वीडियो में से देखकर बनाने में किसी तरह की असुविधा हो रही हो तो आप हमारे से ये प्रैक्टिकल ले सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरनेट चार्ज देना होगा 20 रुपीज़ का, और उसके बाद आपको ये फाइल मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको ये PDF के माध्यम से दे दी जाएगी। ये डायग्राम बनाना है। अगर आपकी डायग्राम अच्छा बना लेते हैं आप तो बहुत खुशी की बात है। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाते हैं तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यानी कि प्रिंट आउट निकलवा कर उसको चिपका दीजिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। बस नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब भी आप फाइल बनाएंगे तो बहुत सुंदर राइटिंग में बनाना है। अगर आप लोगों की राइटिंग ख़राब है तो किसी और से बनवा सकते हैं क्योंकि आपकी वो फाइल पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको नंबर 60 में से 30-40 नंबर दे दिए जाएंगे, जिसके बाद आप फेल होने के आपके ज़्यादा चांस हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल में आपके अच्छे नंबर आएंगे तो स्वाभाविक है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल 4 है, उतार लीजिए। और ये MS वर्ड का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी क्वेश्चनों में से मैंने ये प्रैक्टिकल तैयार किया है ताकि आप लोगों को जो है पूरे पूरे नंबर मिल जाएं। वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपके काम की हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कहने की ज़रूरत ना पड़े। और वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका आप भला चाहते हैं। प्रैक्टिकल 5 पर आ गए हैं। उपाय का मतलब सॉल्यूशन है, यानी कि आंसर। ये जो ऊपर है ये क्वेश्चन है और ये आपका नीचे आंसर है। जिस कलर में मैंने यहाँ पर ये टैब का निशान दिया है उसी कलर में आप भी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल फाइल में तैयार करनी है। छोटी बड़ी तमाम तरह की चीज़ें आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पे, मोबाइल पर मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके पास सभी तरह की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अगर इसके बाद भी अगर आपको और फैसिलिटी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रखा है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप अपने जैसे दूसरे भाई बहनों से कोई भी किसी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं, ऑफकोर्सली वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखा करें,
और डाउनलोड बिल्कुल ना करें, क्योंकि डाउनलोड करने से वीडियो क्वालिटी ख़राब आ जाती है और आपको सभी अक्षर साफ साफ नज़र नहीं आते, चाहे आप बेशक कितना भी उसे फुल HD में डाउनलोड क्यों ना कर लें। और डाउनलोड करने से आपका MB भी ख़राब होगी और अक्षर भी आपको साफ नहीं दिखाई देंगे। प्रैक्टिकल 9 पर पहुंच चुके हैं। PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। लास्ट बात मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल आपका जो होता है वो एग्ज़ाम के टाइम में ही होता है, थ्योरी का जो आपका TMA होता है वो पहले जमा हो जाता है और प्रैक्टिकल बाद में जमा होता है। तो बच्चे कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सर प्रैक्टिकल कब जमा होगा, उसकी लास्ट डेट क्या है? तो जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो उसी के बाद आपकी लास्ट डेट पता चलती है इसकी, क्योंकि ये एग्ज़ाम के साथ साथ ही होते हैं। वीडियो आपने लास्ट तक देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।